अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हमारे पास एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, बट इस दौरान जो अल्डिहाइड या जो कीटोन मॉलिक्यूल होगा हमारे पास वो अरोमेटिक होगा, मींस जो CO जो कार्बोनिल ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, एंड दीज reactions are known as electrophilic substitution reaction. So, अगर हम बात करें कि क्या aromatic aldehyde और aromatic ketone electrophilic substitution reaction के लिए जाते हैं, तो हमें कुछ reactions को यहाँ observe करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम electrophilic substitution reaction को बहुत बार पढ़ चुके हैं. So, just ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहां पर हमें सिर्फ डिस्कस करनी है अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि क्या अरोमेटिक अल्डिहाइड्स और अरोमेटिक कीटोन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेंगे, और अगर वो करेंगे तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा. So let's discuss the electrophilic substitution reaction. देखिए, this is the aldehyde, aromatic aldehyde known as benzaldehyde. अब देखिए कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, और जहां कार्बोनिल कार्बन जो है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो यहां एक केस पॉसिबल हो सकता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहां पॉसिबल हो सकते हैं जहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे और जो रिंग में है बेंजीन रिंग में हर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव करे. कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पॉसिबल हो सकते हैं, और देखिए वो क्या होंगे. तो अगर हम यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करें देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहला स्ट्रक्चर कि जिस पोजीशन पे ये अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है उस पोजीशन के साथ वाले पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो के साथ वाले को हम बोलते हैं मेटा, और जिस पे वो अल्डिहाइड ग्रुप लगा है उसकी बिल्कुल अपोजिट पोजीशन को हम बोलेंगे पैरा. और आगे वाले तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. देखिए फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑर्थो पोजीशन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल. और अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा देखें सेकंड, तो यहां हम नोट करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे है, मतलब पैरा पोजीशन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती है. और अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ऑर्थो जो स्ट्रक्चर है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेती है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करवानी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना है, एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाएंगे उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा,
और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर चला जाएगा। मींस इस रिएक्शन के लिए हमें एक न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां उस पोजीशन से हम किसी बाहर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करवाएंगे। बट यहां हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब ना तो ऑर्थो पोजीशन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी ना पैरा पोजीशन, तो बची सिर्फ हमारे पास एक पोजीशन एंड दैट इज मेटा। क्योंकि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास यहां बने हैं, इन तीनों में हमने देखा है कि मेटा के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, मतलब ये अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, बट मेटा के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। सो दिस इज द फैक्ट कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा, दैट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन। क्लियर है, दैट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन। तो अगर हम इस फैक्ट को कंबाइन करके देखें तो हम कहेंगे कि दिस अरोमेटिक अल्डिहाइड और दिस अल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किस पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे। सो अलग अलग अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस यहां पर ऑब्जर्व करें, देखें अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम। कि अगर हम बेंजल्डिहाइड हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हो और हमें उसकी रिएक्शन करनी है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन हम करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, जो नाइट्रोनियम आयन होगा, वो बेंजल्डिहाइड में सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। और जो प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी वो भी कम होगी, अप्रोक्सीमेट 50% to 60% की यील्ड होगी। सो दिस अल्डिहाइडिक ग्रुप और किटोनिक ग्रुप भी बिल्कुल यही काम करेगा कि ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो अगर हमें बेंजल्डिहाइड की या बेंजोफिनोन की, एसिटोफिनोन की, मतलब किसी भी अरोमेटिक अल्डिहाइड या किसी अरोमेटिक कीटोन ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करवानी है, उसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करनी है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मेटा पोजीशन पर लगेगा, दैट प्रोडक्ट इज मेटा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के विद रिस्पेक्ट वो प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पर जाएगा क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन बाय अरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थैंक यू।